सब कहो इस कॉलेज से तड़ी मार कर यहाँ मैच देखने आए, पंडित जी बुलाया अंकल वो तो ठीक है, मगर आज कॉलेज में कोई है ही नहीं, फटके सर भी छुट्टी लेकर मैच देखने गए हैं और प्रिंसिपल सर तो कॉलेज में टीवी लगवा कर करता है यार। अरे उस साले के पुट्ठे पे एक लाख जमा कर धके ले जाओ उसको नीचे, तू क्या This is a great delivery. The break may have just said disrupted the concentration. मारिए मेरे पुट्ठे पे लात, दीजिए धक्का, कल को वही करने वाले आज करो ना। मैं तो कहता जो उसको बिठा रहा है लेकर इनकी मम्मी और टीवी के दोस्तों को बुलाइए, उनसे कहिए हमारे सुपुत्र, हमारे छोटे सुपुत्र अपने जन्मदाता के पास भाग पर लात मारकर उसे घर से निकालने वाले हैं। गलती हो गई यार, मिस्टेक है, पैर फट गया। होंगे गलत तो हम हैं बूढ़े, खुशन आप कैसे गलत होंगे? नहीं नहीं यार, इस वक्त आए होंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था, मुझको लगा कि इसलिए कमीने और साले कहना पुट्ठे पे लात, किस घर की संस्कृति है ये? संस्कृति नहीं राज, मैंने तो ऐसे ही कहा था, आई वाज जस्ट किडिंग, इट वाज जस्ट अ जोक। किस हंसी का ये जोक मानना पड़े भाई साहब से? गलती कबूल कर लीजिए राज, माफ कर दो। नहीं आप कैसे गलत होंगे, गलत तो हम हैं जिसने आप जैसे हीरो को जन्म दिया, आपने मांगा नहीं था तब भी। यू नेवर आस्क्ड टू बी बोर्न। नो नो दैट आई वुड नेवर से दैट, मैं तो ये कह रहा था कि एक्चुअली झूठ मत बोलो। मैंने अपने कानों से सुना है शाहरुख खान, सलमान खान, शाहिद खान, कपूर कपूर चुप। आपने अर्जी भेजी थी यश चोपड़ा के घर पैदा होने के लिए और भगवान ने आपका पार्सल भेजा सर नौबत किया। आपको जाना था स्टूडियो में हीरो बनने और हम आपको पीस रहे हैं पढ़ाई के लिए, गलती किसकी? यकीनन हमारी। नहीं नहीं गलती मेरी है ना भैया की, टेस्ट मैच थी एक दिन तो मम्मी से भाग गए। घटिया एक्टिंग करता है, झूठ मूठ रोना खिलखिलाना, मम्मी के पीछे जाके छुप जाना, मेरी पीठ फेरते ही गौरी एटीटू से पूछना कि बुड्ढा है या हो गया राम नाम सत्य। मैं ऐसा कहूंगा डैड, मैं तो आपको बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू डैड, आई रियली। तो बाप नहीं चाहिए, बाप के पैसों पर ऐश करने को चाहिए, अपनी मम्मी को लाओ। अरे कितनी चिल्ला चोट करेंगे आप, कितना कोसते रहेंगे बच्चों को, इसके दोस्त बेचारे घबरा कर भाग गए पिछले दरवाजे से। उन्हें भागना ही चाहिए, आपके सुपुत्र क्या कह रहे थे अगर आप सुनते? सुना मैंने। अरे पर बंदी ने मान लिया ना, अपनी गलती कबूल कर रहा है ना, पैर पकड़ कर माफी भी मांग ली आपसे। गलती कबूल कर रहा है, पैर पकड़ के माफी मांग ली, इतना कहने सब कुछ हो जाता है क्या? तो फिर और क्या चाहिए आपको? चाहो तो उठाओ इसे और फेंक दो तेरहवीं मंजिल से नीचे, देखो अगर उसे तसल्ली होती हो तो। इसे ही क्यों, तुम्हारा टीवी सेट ही नीचे फेंक देने की सोची है मैंने। घर में डिसिप्लिन रहा नहीं, स्कूल कॉलेज में डिसिप्लिन रहा नहीं, बैंक का डिसिप्लिन सत्यानाश हो गया है, पूरी दुनिया का सत्यानाश करके रख दिया। देखो यार मैं गला फाड़ के तुमसे बोल रहा हूँ कुछ और ये भैया की सेंचुरी हो गई। पूछा आप भी ना कमाल करते हैं, सारी दुनिया वहाँ टीटू की सेंचुरी पर आंखें गड़ाई बैठी थी, कितनी हताशा फैल गई उनमें, सब एकदम निराश हो गए। सब एकदम निराश मतलब भैया आउट हो गए? और क्या कह रही हूँ मैं बंटी, 98 रन पर टीटू आउट हो गया है।